आज हम सीखते हैं इसमें पाथफाइंडर के ऑप्शंस। पाथफाइंडर क्या करता है बेसिकली, एक तरह का इमेज में कटिंग वगैरह करना, शेप्स को मर्ज करना, हाँ शेप्स में इधर मल्टीप्लिकेशन करता है, मर्ज करेगा, डिवाइड करेगा, कट करेगा, उस टाइप के अलग अलग ऑप्शंस हैं। और वो ऑप्शन है कहाँ पर, विंडो के अंदर पाथफाइंडर आएगा ये रहा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पाथफाइंडर खुल जाएगा। तो इसको मैं अलग से सेपरेट कर ले रहा हूँ और बाकियों को क्लोज कर दूँ, ठीक है। तो ये पाथफाइंडर हमारा आया। अब इसके अंदर पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ दो ऑप्शन है, एक शेप्स मोड और एक पाथफाइंडर। शेप्स मोड का काम होता है शेप्स को मर्ज करना, ठीक है, या डिवाइड करना, ट्रिम करना, अलग अलग है, तो सीखते हैं कैसे। और ये कभी भी पाथफाइंडर एक शेप के ऊपर वर्क नहीं करेगा, एक से ज़्यादा होनी चाहिए, दो तीन चार ये होनी चाहिए, तो वो मर्ज करेगा, ठीक है, यानी वर्क करेगा। कैसे, जैसे मैंने कोई भी, और इसके थ्रू हम काफ़ी सारे डिज़ाइंस एंड शेप्स बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जैसे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया और अगेन यहाँ मैंने कोई और शेप बनाया, लाइक मैंने स्टार बना दिया, इसको मैंने ऐसे ऊपर रखा, कलर मैंने कोई डिफरेंट दे दिया, कलर को अलग रख लेते हैं, बार बार नहीं तो खुलता रहेगा। और एक शेप मैंने यहाँ ऐसे रख ली। अब अगर मैं सबको सेलेक्ट करके, चाहो तो एक ही को कर सकते, जरूरी नहीं दोनों को ही, दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पे होता है यूनिट, यानी कि वेल्ड लाइक तरह का, ये क्या करेगा, इसको मर्ज करके वेल्डिंग का काम कर देगा, यानी एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ये कलर ऊपर वाला लेता है जो टॉप में होता है, ठीक है, हमेशा टॉप के कलर को फॉलो करता है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे ले लूँ, ये ले लिया पिंक, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन दे दिया, तो अब क्या लेगा ये ऊपर वाला, हमेशा टॉप वाला कलर फॉलो करता है, ठीक है। ऐसे ही मुझे एक जैसे डिज्नी का एक लोगो है वो बनाना है, तो मैं वैसे बना सकता हूँ। एक मैंने यहाँ शेप ऐसे किया, एक कॉपी लेके यहाँ रख दिया और फिर दोनों को सेलेक्ट करके वेल्ड कर दिया, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है इसमें, ट्रिम, नहीं ट्रिम नहीं, सॉरी ये है माइनस, नाम भी नहीं शो होता है इसकी वजह से, माइनस फ्रंट है, ट्रिम है ये, ठीक है, करके देखते हैं नाम, इसमें छोटे छोटे नाम होते हैं याद नहीं रहता। तो मैंने यहाँ एक और शेप बनाई ये। अब अगर मैं दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से करते हैं, हाँ ये तरह का ट्रिम ही हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं माइनस, नहीं माइनस फ्रंट नहीं, इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, जो मेरा फ्रंट वाला है वो बैक वाला है जितना एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से वो इतना ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये प्लस हट जाए बैक में से वो माइनस हो जाएगा, प्लस फ्रंट वाला, हाँ ये माइनस कर देगा, ठीक है। फिर एक आता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट में क्या होगा, इंटरसेक्ट वाला एरिया रह जाएगा। जैसे कि हमें एक शेप बनाना हो लाइक मून का टाइप का, ये रखा मैंने, एक और मैंने कॉपी लेके ये रख दिया इधर, ठीक है ऐसे। अब अगर मैं करता हूँ, नहीं इसमें तो ये, अच्छा इसमें भी अगर मैं ये करता हूँ तो एक ये बन जाएगा मून टाइप की शेप बन गई, यहाँ स्टार बनाना। या फिर अगर हमें एक लीफ टाइप की शेप बनानी हो तो मैंने एक ये लिया, एक ये लिया, ठीक है, तो एक दूसरे से इतना ओवरलैप कर रहे हैं, तो अब मैं इंटरसेक्ट करूँगा तो सिर्फ ये हिस्सा रह जाएगा, देख लो शेप्स कितनी परफेक्ट और बन रही है बिल्कुल, ठीक है। तो इनका शेप्स बनाने में काफ़ी यूज़ आएगा। फिर आता है इसी का रिवर्स हो जाएगा, यानी एक्सक्लूड हो जाएगा इसी का रिवर्स, ये क्या करेगा, जैसे हमने ये शेप बनाया, हाँ अब अगर मैं ये इंटरसेक्ट करता हूँ तो इसमें क्या हो रहा था कि ये वाला एरिया रह गया था, बाकी एरिया डिलीट हो गया था। अब इसका रिवर्स में क्या हो जाएगा, अंदर वाला डिलीट हो जाएगा, ये और ये रह जाएगा, ठीक है एक्सक्लूड, ठीक है। एक ऐसे डिज़ाइन भी है, एक और मैं बना लेता हूँ, हमें कई बार कलर कॉम्बिनेशन में से दिखाना होता है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया और एक्सक्लूड कर दिया, ये ऐसे डिज़ाइन है, ठीक है। फिर एक आता है डिवाइड, डिवाइड क्या करता है, ये पाथ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पाथ के अकॉर्डिंगली डिवाइड करता है। कैसे, जैसे कई बार हम कोई शेप्स बनाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका एग्ज़ाम्पल भी एग्जैक्टली बताता हूँ कैसे हम बनाते हैं कई बार। जैसे मैंने यहाँ पे एक पेन टूल से
ऐसे थोड़ा आगे पीछे हो गया। मैंने शेप बनाया और इसमें मैं ग्रेडियंट टाइप का फिल कर रहा हूँ, ग्रेडियंट से चेंज ऐसे, और इस साइड मैंने कलर ले लिया। देखिए और आउटलाइन, नो आउटलाइन। अब मैंने रोटेशन टूल लिया, सेंटर पॉइंट नीचे रखा और नहीं रोटेशन टूल, ठीक है, सेंटर पॉइंट यहाँ रख दिया, ऑल्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग और फिर कंट्रोल डी फॉर रिपीट कमांड। एक ही शेप बनाया मैंने, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं चाहो तो ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ मैंने एक और शेप कोई बनाया लाइक सर्कल टाइप का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो शेप है इसके अंदर दिखाना है, या ऐसा नहीं हम रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर दें, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें क्या करना होता है कि हम क्लिप मास्क नहीं कर सकते, हमें एरिया दिखाना ही नहीं है। मतलब इसको पहले फ्रंट पे लेके आता हूँ। फ्रंट पे लाने का क्या होता है, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। तो अब क्या होता है, अभी तो चलो हम ये चीज़ के अंदर क्लिपिंग मास्क कर देंगे तो उसके अंदर आ जाएगा बाहर वाला एरिया, मतलब जो बाहर वाला एरिया है वो हट जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें क्लिपिंग मास्क नहीं दिखाना होता, हमें सिर्फ एक साइड से कटिंग करनी होती है। अगर हम क्लिपिंग मास्क कर देंगे तो क्या होगा, आउटसाइड का चारों एरिया मतलब उसके अंदर आ जाएगा, बाहर का एरिया नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन कई बार हमें ऐसा होता है कि मान लो इसी डिज़ाइन में, मान लो हमें मुझे ऐसा कुछ दिखाना है कि मुझे ये वाला एजिस नहीं दिखाना है और ये वाला नहीं दिखाना है, बाकी ये और ये दिखाना है बाहर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्लिपिंग मास्क तो यहाँ फेल हो गया, वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, रेक्टेंगल बना के ट्रिम कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊँगा ऐसे, ठीक है, और फिर यहाँ से जस्ट डिवाइड कर दूँगा। बट ये बोल रहा थी फिल्टर प्रोड्यूस डीजल प्लीज सेलेक्ट, अच्छा हाँ दोनों को सेलेक्ट करके डिवाइड कर दिया, मतलब एक ही सेलेक्ट था इसलिए। तब इसने क्या किया, ये और ये अलग हो गया है, अभी तो सिलेक्शन एक में ही ले रहा है, लेकिन उसको अलग करने के लिए मैं क्या कर दूँगा, फिर अनग्रुप, ठीक है, और फिर हाँ इधर है एक सेकेंड, ठीक है। अब इनको क्या करो, चाहो तो डिलीट कर दो, चल रहा है ना, ब्लिंक कर रहा है, इसके अंदर चल रहा है, ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जितने पाथ होंगे उसको डिवाइड कर देगा अकॉर्डिंग टू लाइन, जहाँ भी लाइन क्रॉस इंटरसेक्ट कर रही होगी उसको डिलीट कर देगा। फिर ये सेम ट्रिम है, मतलब इस वाले की तरह, लेकिन इस वाले में ये होता है कि फ्रंट वाला ऑब्जेक्ट रह जाता है। जैसे कि क्या, अगर हमने कोई शेप बनाया है और फिर मैंने यहाँ रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, अब अगर मैं सबको सेलेक्ट करके ट्रिम करता हूँ, ट्रिम हो गया है, कौन सा हिस्सा कट गया है, ओवरलैप वाला हिस्सा कट चुका है, जितना भी हिस्सा ओवरलैप था, लेकिन बैक वाला, फ्रंट वाला रहता है, सिर्फ बैक वाला कटता है। तो लेकिन अभी इसको हम मूव करेंगे तो एक साथ ही होगा, क्योंकि ये वाला सेक्शन जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाता है। जैसे मैंने ये भी यूज़ किया तो भी ग्रुप हो गया था, तो इसमें हमें अनग्रुप करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट में जाके अनग्रुप, तो अब ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग। कई बार क्या होता है कि जैसे हमें कटिंग करनी है ओवरलैपिंग हिस्से को, लेकिन हम चाहते हैं कि फ्रंट वाला हिस्सा रह जाए, तब तो आप ट्रिम करोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें फ्रंट वाला हिस्सा भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे मुझे इतना हिस्सा काटना था लेकिन मुझे काटने के बाद इसको यूज़ नहीं करना है, तो हम यूज़ कर लेंगे ये वाला। लेकिन अगर मुझे ये शेप भी बाद में कहीं यूज़ करना है
तो फिर हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम ट्रिम यूज़ करेंगे ताकि हम उस शेप को भी बाद में कहीं यूज़ कर सकें। ठीक है, तो ट्रिम भी मतलब क्या होता है, वही ओवरलैपिंग एरिया को में जो बैक में ऑब्जेक्ट होगा उसको कट करेगा, ट्रिम करेगा। फिर आता है सेम ये भी माइनस फ्रंट की तरह ही है, जैसे क्या हमने शेप बनाया, एक और यहाँ कॉपी ली, दोनों को सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक कर दिया। तो इसने क्या किया, अनग्रुप करो इसको पहले, तो ये भी सेम ही है ट्रिम, तो मैं इसमें और लेता हूँ शेप, एक ही लिया। अब मैंने सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया और अनग्रुप, देख मतलब ये भी सेम लगभग ट्रिम की तरह ही है, कट रहा है। ठीक है, बट इसमें रहेगा जैसे ट्रिम तो लगभग दो में काम करेगा, ये वाला क्या होगा, दो से जितने भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा होंगे सब में ट्रिम कर देगा, नीचे होंगे वो सब कट जाएंगे एक बार में, फ्रंट वाला सेफ रहेगा। ये देखो उस टाइप का डिज़ाइन बन गया। ठीक है, फिर आता है यहाँ से ये माइनस फ्रंट टाइप में हो जाएगा, जैसे क्या मैं अगर यहाँ शेप बनाता हूँ और सेलेक्ट किया, अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये, यानी ये इंटरसेक्ट वाला हिस्सा हो गया, इंटरसेक्ट यानी कि इसकी तरह। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, इसके आउट वाले एरिया को भी रखा है यहाँ पर, लेकिन कलर नन कर दिया, जैसे इंटरसेक्ट क्या हो रहा है, सिर्फ इतना हो रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इंटरसेक्ट वाला रहेगा लेकिन ये वाला एरिया भी रह जाता है, तो उसको आप अनग्रुप करके सेपरेट कर सकते हो, फिर चाहो तो यहाँ कोई और कलर भी दे सकते हो। तो ये अलग ही डिज़ाइन के तौर पर बन गया, मतलब डिज़ाइन में काफ़ी बेसिकली यूज़ होता है, देख लो एक शेप बेसिकली बन गई ये चीज़। फिर आता सेम इसी का रिवर्स हो जाएगा, ये वाला एक्सक्लूड वाला हो जाएगा और ये भी ट्रिम मतलब सेम डिवाइड की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग कटिंग वगैरह से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, तो आई होप आ गया समझ में। अब कुछ देखते हैं अलाइनमेंट के ऑप्शन, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट वो अलाइनमेंट क्या होता है, जब हम डिज़ाइंस बनाते हैं तो हमें अलाइनमेंट करना पड़ता है किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से, लेफ्ट में करना हो, राइट करना हो, टॉप में करना हो, बॉटम में करना हो, तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे पास यहाँ विंडो में अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है अलाइन, शिफ्ट F7 उसकी शॉर्टकट की है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गया। अब यहाँ पे है अलाइन, क्या करता है, जैसे कि मेरा ये एक बॉक्स है सिंपल और यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है, अब मुझे क्या करना है, इसको इसके सपोज टॉप लेफ्ट में सेंटर करना है यहाँ, तो पहले मुझे ये अलाइन करना है, इसको सेलेक्ट किया फिर इसको सेलेक्ट किया जिसके अलाइन करना है। अब अगर मैं लेफ्ट करता हूँ तो अभी क्या होगा, दोनों एक दूसरे के शिफ्ट होंगे, बट अभी भी अलाइनमेंट हो तो रहे हैं लेकिन वो पेज के हिसाब से हो रहे हैं, मतलब पेज के लेफ्ट हो गया, पेज के राइट हो गया, पेज के बॉटम हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जो सेलेक्ट हो रहे हैं आपस में, जो सिलेक्शन है वो एक दूसरे के बीच में अलाइनमेंट हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ अलाइन टू में जाना पड़ेगा और यहाँ लेना पड़ेगा क्या, अलाइन टू सिलेक्शन। अब इससे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के लेफ्ट लाइन होंगे, ये राइट सेंटर। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ, अभी क्या हो रहा है कि वो दोनों हिल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें इसकी पोजीशन फिक्स रखनी है, बस मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी अलाइन हो, तो क्या करोगे, दोनों को सेलेक्ट किया उसके बाद ना जिसको फिक्स रखना है उसी के ऊपर एक बार और क्लिक कर दो। ठीक है, जिसको फिक्स रखना है उसको एक बार और क्लिक कर दो, इससे हुआ क्या, ये देख लो थोड़ा सा मोटी बाउंड्री होगी ब्लू कलर की, यानी कि वो फिक्स हो गया है। अब अलाइनमेंट करेंगे तो वो फिक्स रहेगा, बाकी ऑब्जेक्ट उसके हिलेंगे, देखो तो लेफ्ट सेंटर राइट टॉप मिडल बॉटम। अब मुझे मनीष बताओ, मुझे यहाँ शिफ्ट करना है तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे और हाँ टॉप वाला। ठीक है, तो चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो अलाइनमेंट कर देगा। फिर एक आता है डिस्ट्रीब्यूट,
डिस्ट्रीब्यूट का काम क्या होता है, स्पेसिंग डिवाइड करने के लिए, चाहो तो यहाँ से कर लो यहाँ से कर लो, एक ही बात है। जैसे कि क्या होता है, कई बार हम डिज़ाइन बनाते हैं, मैंने यहाँ से ऐसे ऑब्जेक्ट ले लिया, अब मुझे क्या करें इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल रखना है। अभी हम मैनुअल रखेंगे तो इक्वल कभी भी नहीं होगा, हमेशा कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबको सेलेक्ट किया, अब मुझे वर्टिकली स्पेसिंग इक्वल डिवाइड करना है, तो मैं ये यूज़ करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, एक यहाँ है यहाँ है यहाँ है, ठीक है, अब मुझे इनके बीच की स्पेसिंग इक्वल करनी है, तो अब क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट और ये हॉरिजॉन्टल वाला, आया समझ में, नहीं है। देखो ऐसे हमने ऑब्जेक्ट बनाए या कोई हम डिज़ाइन बना रहे हैं, शेप्स बना रहे हैं, कई बार क्या होता है उनकी स्पेसिंग कम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब हम ये चाहते हैं कि इनके बीच का जो गैप है इक्वल रहे, तो उसके लिए सभी को सेलेक्ट करो, जो जो शेप को अलाइन करना है, और फिर वर्टिकली अलाइन स्पेसिंग, तो इससे क्या होगा, वर्टिकली वो इक्वल आ जाएंगे, यानी स्पेसिंग इनका इक्वल आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब स्पेसिंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो चलिए, बहुत इतना अच्छा।